8 दिन से ट्रेन बंद पड़ी है, पूरे 8 दिन से। ये ट्रेन 2 दिन चलती है और फिर अगले 4 दिन तक बंद रहती है, फिर 4 दिन चलती है और अगले 1 महीने तक नहीं चलती। कभी नेपाल के राजा इस रेलवे लाइन के मालिक हुआ करते थे, एक ऐसा देश जिस पर अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया। भारत तक का लगभग 30 किलोमीटर लंबा सफर कभी यहाँ से 3 नैरो गेज ट्रेन्स हर रोज तय किया करती थी, लेकिन अब सिर्फ 1 ट्रेन चलती है और इसका इकलौता इंजन खराब हो चुका है। लेकिन इस रेलवे लाइन के नेपाली सिरे जनकपुर स्टेशन पर पिछले 8 दिन से लोगों ने एक भी ट्रेन नहीं देखी। अगर गाड़ी आएगी ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे? हम गरीब आदमी हैं, पैसा ज्यादा नहीं है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। इस ट्रेन का इंतजार रजीना को भी है, जो नियमित रूप से भारत जाती हैं। वो इस ट्रेन के जरिए वहाँ से सस्ते कपड़े और रोजमर्रा का सामान चोरी छिपे खरीद कर ले आती हैं और नेपाल में बेचती हैं। वो अपना सामान जनकपुर के दुकानदारों को बेचती हैं, जिससे उन्हें हर बार थोड़े बहुत रुपयों का मुनाफा हो जाता है। लेकिन ट्रेन के ठप हो जाने से उनकी कमाई बंद हो गई है। उनके परिवार में किशोर उम्र के 2 बेटे और उनकी माँ है, जिनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अपने दोनों बेटों का सारा खर्चा मैं ही उठाती थी, लेकिन अब मुश्किल है। एक दिन की कमाई से कितने दिन चला सकते हैं? हाँ माँ, 100 रुपए दो ना। 20 रुपए लो और बस घर जाओ। जाओ चुपचाप, अब परेशान मत करो मुझे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हर बार ट्रेन ठप हो जाने पर इस रेलवे लाइन के 150 कर्मचारियों और उनके परिवारों को ये डर सताने लगता है कि कहीं इसे हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर देंगे। अरमान नेपाल रेलवेज में एक टिकट चेकर हैं। एक पीढ़ी पहले उनकी ये नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती थी, जिसमें नियमित रूप से तनख्वाह मिलती थी और बाद में पेंशन भी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अरमान को भी अपने बाकी साथियों की तरह तनख्वाह नहीं मिली है। पिछले 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मेरी बीवी है, 4 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और उन सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। जब मैं कुछ कमाऊंगा तभी तो उन सबको कुछ खाने को मिलेगा। जिस दिन ट्रेन नहीं चलती, अरमान को परेशान मुसाफिरों की नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। जब देखो तब ट्रेन बंद होती है, क्या चल रहा है ये सब? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ऐसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तो ये किसकी गलती है, नेताओं की, मंत्रियों की या हमारे रेलवे स्टाफ की? हमारे हिसाब से तो रेल से होने वाले मुनाफे को ना आप सब लोग खा जाते हो। आप मत निकालो, नहीं नहीं, काम ठीक से नहीं करते, सरकार को बताते नहीं। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है, वो सब कुछ जानते हैं। उन लोगों को इस ट्रेन की हालत अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं करता है। नेपाल रेलवे का तो कोई माई बाप ही नहीं है, बस लावारिस छोड़ रखा है। नेपाल के सरकारी रेलवे विभाग का मुख्यालय काठमांडू में है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों की नजर अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर है। उनकी योजना भारत तक 5 नई रेलवे लाइंस शुरू करने की है और हिमालय से होकर गुजरने वाली एक और रेलवे लाइन शुरू करने की, जो चीन की सरहद तक पहुंचेगी। ये सारी योजनाएं विदेशी निवेश पर निर्भर हैं और उनके बारे में अब तक विचार विमर्श ही चल रहा है। आप इस प्लान को ध्यान से पढ़ लें और अपनी राय दें। फिलहाल जनकपुर रेलवे लाइन के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब कोई चमत्कार ही इस ऐतिहासिक जनकपुर रेलवे लाइन को बचा सकता है। अंदर आ जाइए। उधर जनकपुर में, जहां रेलवे लाइन को उसके मैनेजमेंट ने बेसहारा छोड़ दिया है, रेलवे कर्मचारी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। हमें तनख्वाह कैसे मिलेगी ये तो बताओ। तनख्वाह सिर्फ तभी मिलने की संभावना है जब ट्रेन पटरी पर दौड़े, टिकट बिके और रेलवे को थोड़ी बहुत नकद रकम मिले। लेकिन इस सब के लिए इंजन की मरम्मत होना जरूरी है, ताकि वो फिर पटरी पर चल सके। अगर ट्रेन चलेगी तभी कुछ होगा, वरना हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। क्योंकि इंजन के बिना ट्रेन चलने से रही, और अगर ट्रेन नहीं तो नौकरी भी नहीं। सबसे पहले तो आप एक काम करो, पटरियों की मरम्मत करो, उसके बाद इंजन की बारी है, इंजन की मरम्मत करो।
गाड़ी नहीं चलेगी तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। आखिरकार फैसला ये होता है कि सब लोग रेलवे लाइन को दुरुस्त करने के लिए बिना पैसे के काम करेंगे। इंजन को कैजुअली रिपेयर यार्ड एंड वर्कशॉप्स में भेज दिया गया है, जो कि रेलवे लाइन के भारतीय सिरे से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। दिलाश मंडल नेपाल रेलवे के सबसे बढ़िया मैकेनिक हैं। जब भी कोई इंजन खराब होता है तो उसे उन्हीं के पास भिजवाया जाता है। दरअसल क्या है, जो ट्रांसमिशन पाइप है जो इंजन को ठंडा करता है, ट्रांसमिशन पाइप, वो कट गया है, इसलिए हम उसे खोल रहे हैं। तीन जंग खा रहे बेकार इंजनों से उन्होंने जरूरत की सारी चीजें जुटाई हैं। इसे खोलकर पाइप निकाल लेते हैं। इसे खोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है। 20 साल पहले भारत सरकार ने नेपाल को 4 डीजल इंजन उपहार में दिए थे ताकि वो अपने पुराने स्टीम इंजनों के बजाय उनका इस्तेमाल कर सके। और यहाँ कैजुअली में मेंटेनेंस शेड के पास ही उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जंग खा रहे इंजन भी अपने गौरवशाली अतीत के जीते जागते गवाह हैं। वासुधर मंडल 80 साल के हैं और जनकपुर लाइन पर स्टीम इंजन चलाने वाले आखिरी ड्राइवर भी। कभी यहां 150 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। इंजन, पहिए, पटरियां, रेल के डिब्बे, उन दिनों वो सब चकाचक थे। हमें इसे ठीक करना है क्योंकि इसे गाड़ी खींचनी है। ट्रेन फिर शुरू होने की खबर जल्द ही जनकपुर भी पहुंच जाती है। कल चलेगी। अरे मैं सच कह रही हूँ भैया, कल ट्रेन चलेगी, उन्होंने खुद बताया। रजीना ये खबर स्थानीय दुकानदारों को देती हैं और उनसे ऑर्डर्स लेना शुरू करती हैं। अच्छा ठीक है। दिलाश और उनकी टीम को नेपाल रेलवे के आखिरी काम लायक इंजन ZDM-524 की मरम्मत करने में सिर्फ 2 दिन का समय लगा। इंजन जनकपुर रवाना हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये इंजन एक बार फिर अपने डिब्बों से जुड़कर उन्हें खींचने लगेगा और कई दिनों से बंद पड़ी दोपहर 3:30 बजे की जनकपुर से भारत के जयनगर जाने वाली ट्रेन फिर से शुरू हो जाएगी। ट्रेन फिर से शुरू होने की खुशखबरी मिलते ही सुनसान पड़ा जनकपुर स्टेशन फिर से आबाद हो जाता है। दवाइयां बेचने वाले, करतब दिखाने वाले, चाय वाले, टूरिस्ट और चीन से आए फोटोग्राफर भी मुसाफिरों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। यात्री अपने सामान के साथ डिब्बों में भर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं है कि ट्रेन चलेगी। कहीं उस दिन की तरह तो नहीं होगा कि पहले कहेंगे कि चल रही है, फिर कहेंगे कि रद्द हो गई है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे ही टिकट बिक्री की खिड़की खुलती है तो सबको यकीन हो जाता है कि ट्रेन सचमुच रवाना होने वाली है। जनकपुर से जयनगर तक के एक आम टिकट की कीमत 29 नेपाली रुपए है। साइकिल और छोटे जानवर साथ ले जाने के लिए हर तरफ से 10 रुपए और देने पड़ते हैं। सिर्फ इसी मामूली किराए से होने वाली आमदनी से रेलवे को डीजल खरीदना पड़ता है और कर्मचारियों की तनख्वाह देनी पड़ती है। ज्यादातर मुसाफिर बिना टिकट लिए ही ट्रेन में सवार हो जाते हैं और अरमान को सबको टिकट लेने के लिए धमकाना पड़ता है। अगर टिकट नहीं लिया तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, सबके पास टिकट होना चाहिए, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये ट्रेन तुम्हारे बाप की है, फ्री में जाना है, पानी पे चलती है, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? हाँ
लेकिन टिकट खरीदने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ट्रेन में बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। इसके चार पांच मुसाफिर डिब्बों या सामान लादने वाले डिब्बों में रिजर्वेशन का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए इसमें बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरी सीट से हटो, मैं कहती हूँ ये मेरी सीट है, हटो यहाँ से। खुले हुए माल डिब्बे में रजीना बड़े आराम से अपनी हमेशा की जगह पर कब्जा कर लेती है। लगभग 30 किलोमीटर लंबे इस सफर के दौरान वो मुसाफिरों, बाहरी यात्रियों, चोरी छिपे सामान लाने वाले दूसरे लोगों, जानवरों, साइकिलों और लड़कियों के बीच भी आराम से अपनी जगह बना लेती है। अब मुझे ट्रेन में सफर करने से डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ अगर मैं मर्दों से घिरी हुई हूँ? सुना नहीं, हाथी जब चलता है तो किसी के भौंकने की परवाह नहीं करता। जब से मैंने ट्रेन में आना जाना शुरू किया है, मेरा सारा डर निकल गया। 12 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार भारत जाने वाली 3:30 वाली डाउन ट्रेन रवाना होती है, एकदम सही समय पर। आपकी ट्रेन छूट गई? हाँ, हाँ। लेकिन कैसे छूट गई? मुझे देर हो गई। पता नहीं क्या हुआ, शायद देर हो गई। मैं बाजार गई थी। ये ट्रेन ज्यादा से ज्यादा लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जिसके हिसाब से सरहद तक का लगभग 30 किलोमीटर तक का सफर 3 घंटे में पूरा होना चाहिए। लेकिन ठसा ठस भरी होने और रास्ते में 7 स्टेशनों पर रुकने की वजह से ये शायद ही कभी समय पर अपना सफर पूरा कर पाती है। मगर इसके किसी भी मुसाफिर को ट्रेन के लेट होने की परवाह नहीं है, ट्रेन चल रही है, इन लोगों के लिए इतना ही काफी है। ट्रेन दुनिया के एक बेहद गरीब देश के इस बेहद गरीब इलाके से गुजर रही है। खेती बाड़ी करके यहाँ के लोग बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि नेपाल में कोई कारखाना नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ हम काम करके अपने परिवार का पेट भर सकें। हाँ, खेती बाड़ी जरूर है। मैं किसी खेत पर काम कर सकती हूँ, लेकिन 10 दिन में एक बार काम मिलेगा, इससे गुजारा थोड़ी होता है। इसलिए दो बेटों की जिम्मेदारी अकेली उठाने वाली ये माँ इस ट्रेन पर निर्भर रहती हैं। मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था जब मेरा बेटा 1 महीने का था। अब वो 16 साल का है। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, 13 साल की उम्र में बेटा हो गया। रजीना जब 19 साल की थी तभी उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। रजीना ने अपने दोनों बेटों रायमद और साइमद को तस्करी से होने वाली कमाई से बड़ा किया है। बहुत कम उम्र में ही बच्चों ने अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर दिया था, पढ़ाई लिखाई करने का रास्ता ही नहीं था। मैं तो 5 साल की उम्र से ही काम करने लगा था, क्योंकि हमारे पिता ने हम लोगों को छोड़ दिया था और फिर दूसरी शादी कर ली थी। गरीबी की वजह से स्कूल तो जा नहीं सके। अब जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे, तो पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाते? फीस तो लगती है ना, कहाँ से लाते वो? भले ही मैं औरत हूँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? भूख ऐसी चीज है कि सब कुछ करा लेती है। अब दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही। नेपाल में रजीना और उन जैसी दूसरी औरतों के इस काम को कोई भी तस्करी नहीं समझता, बल्कि ये एक ऐसा जरूरी काम है जिसे वो अंजाम देती है। यहाँ के लोग उन्हें ब्लैकनिया कहते हैं, यानी ब्लैक मार्केटियर्स। लेकिन तस्कर शब्द का इस्तेमाल यहाँ उन लोगों के लिए किया जाता है जो ड्रग्स और हथियारों का गैर कानूनी धंधा करते हैं।
कोई गलत काम कर रही हो तो जेल में डाल दो ना। मैं तो बस रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाती हूँ, कपड़े, बिस्कुट, प्लास्टिक की चटाइयाँ। बस मैं थोड़े चुंगी के पैसे क्या बचा लेती हूँ, सरकार मुझे चोर समझती है। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, बस 2-5 हजार का सामान लाती हूँ। अब बताइए भला सरकार को उससे क्या नुकसान हो सकता है। उधर जनकपुर में ट्रेन को अच्छी तरह रवाना करने के बाद अरमान को इस बात की खुशी है कि फिलहाल रेलवे का कामकाज शुरू हो गया है। लेकिन उनकी पैसों की तंगी दूर नहीं हुई है। उन्हें पैसों के लिए अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता है जो एक दर्जी है, या फिर स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। जिन दुकानदारों से मैंने राशन उधार लिया था उन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया है। बार बार पूछते हैं पैसे कब दोगे, तुम्हारी तनख्वाह कब मिलेगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका सबसे बड़ा बेटा साहिल अब स्कूल जाने लायक हो गया है, लेकिन स्कूल का खर्चा उठाने के लिए अरमान के पास पैसे ही नहीं है। इसे स्कूल में दाखिल कर दो। नहीं, अभी नहीं। अब इसे स्कूल भेजना, घर में सिर्फ शैतानी करता रहता है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। स्कूल जाओगे क्या बेटा? नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। शाम ढलने पर बिना किसी धूम धड़ाके के आखिरकार ट्रेन भारत में दाखिल होती है, सिर्फ 2 घंटे लेट। कुछ लोगों के लिए ये एक नए जीवन की शुरुआत है। वो भारत में या यहाँ से बाहर जाकर अपने लिए काम ढूंढेंगे, लेकिन बाकी लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं, सस्ती चीजें खरीद कर नेपाल में थोड़े मुनाफे पर बेचने के लिए। रजीना सरहद के इस कस्बे की भीड़ में रात के अंधेरे में खो जाती है। उनके पास उस सामान की पूरी लिस्ट है जो उन्हें खरीद कर नेपाल ले जाना है, बिना कोई चुंगी चुकाए, अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो। सिर्फ कुछ साल पहले तक भारत में मौजूद जयनगर नेपाल की सीमा से सटा बिहार के पूर्वी प्रांत का एक पिछड़ा हुआ छोटा सा कस्बा था। आ जाओ बॉर्डर की सवारियां, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन आज जयनगर एक अहम भारतीय रेलवे जंक्शन बन चुका है, आधुनिक ब्रॉड गेज पर चलने वाली गाड़ियों के साथ। अब कई भारतीय एक्सप्रेस ट्रेनें यहां से शुरू होती हैं। 30,000 लोगों की आबादी वाले इस कस्बे को भारत के ज्यादातर मुख्य शहरों से जोड़ती हुई ये एक्सप्रेस ट्रेनें ज्यादातर इस इलाके के मजदूरों से भरी होती हैं, जो काम की तलाश में भारत के दूसरे हिस्सों का रुख करते हैं। आज इस नेपाली प्लेटफॉर्म पर रजीना के अलावा राजस्थान के कुछ थके हारे तीर्थयात्रियों का दल भी है। ये लोग पिछले 24 घंटों से भारतीय रेलों की सवारी करके यहाँ पहुँचे हैं। ये दो डिब्बे तो फर्स्ट क्लास के लगते हैं। इनकी तो हालत खराब है, ये फर्स्ट क्लास नहीं हो सकते। लगभग 2000 किलोमीटर के सफर के बाद नेपाल रेलवे के जरिए सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग जनकपुर पहुँच जाएंगे, जिसे सीता जी का जन्म स्थान माना जाता है। इतनी परेशानी हो रही है, क्या इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास का डिब्बा ऐसा थोड़ा ना होता है। हमारे साथ 250 लोग हैं। हम जनकपुर जा रहे हैं, वहाँ श्री रामचरितमानस की कथा होगी 9 दिनों तक, उसमें हम सब लोग हैं। हम यहाँ जयनगर रात 2 बजे आ गए थे, कोई साधन नहीं था जनकपुर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पर ही रहे, सारी रात मच्छर काटते रहे। भारतीय उपमहाद्वीप की असली पहचान कभी इसके मूल तीर्थ स्थानों और इसकी पौराणिक कहानियों से थी, न कि यहाँ के राजा महाराजाओं और सरकारों द्वारा निर्धारित इसकी सीमाओं से। मूल तीर्थ स्थानों की यात्रा करना तब बहुत मुश्किल काम था और आज भी है, लेकिन भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीर्थ स्थानों पर पहुँचकर वो ईश्वर में अपनी आस्था का सबूत पेश करते हैं।
लेकिन जहां तक रजीना का सवाल है, ये छोटी सी कमजोर ट्रेन ही उनकी अन्नदाता है और उनकी आस्था सिर्फ इसी से जुड़ी हुई है। ये ट्रेन हमारे लिए भगवान है, कामकाज देने वाले विश्वकर्मा भगवान की तरह। जब ट्रेन चलेगी तभी मेरे जैसे और सब लोग भी खुश रह पाएंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी। ये ट्रेन भले ही रजीना के लिए भगवान हो, लेकिन इस भगवान की सांसारिक जरूरतें भी हैं, जैसे कि डीजल भरने के लिए पैसों की जरूरत। 10 दिन लंबे दशैन के त्योहार के दौरान ये ट्रेन आम तौर पर ठसा ठस भरी रहती है। त्योहार के इस मौके पर भी टिकटों से अच्छी कमाई हो जानी चाहिए। टिकट निरीक्षक राजेश्वर की पूरी कोशिश रहेगी कि इन दिनों ये ट्रेन लगातार चले और इसके किराए से रेलवे को ज्यादा से ज्यादा रुपयों की आमदनी हो सके। टिकट दिखाइए, ये फर्स्ट क्लास है और आपके पास जनरल डिब्बे का टिकट है। ये टिकट नहीं चलेगा। क्या फर्स्ट क्लास है? जी हाँ, फर्स्ट क्लास के लिए 50 नेपाली रुपए लगते हैं। आपको 4 टिकटों के लिए 84 भारतीय रुपए और देने होंगे। बैठने की ढंग की जगह तक नहीं है और इसे फर्स्ट क्लास कहते हैं। नेपाल में आपकी यात्रा सुखद हो। जनकपुर स्टेशन पर सब सब्र के साथ ट्रेन पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें रजीना का छोटा बेटा साइमत भी शामिल है। इनकी दिनचर्या पहले से तय है। रजीना सामान नीचे उतारेंगी और फिर साइमत उसे उठाकर वहां से फौरन भाग जाएगा। हो सकता है जनकपुर स्टेशन पर पुलिस मौजूद हो, लेकिन रजीना पहले से तैयार है। छोटा साइमद कपड़ों का एक बहुत बड़ा गट्ठर अपनी पीठ पर लाद कर भागने में कामयाब रहता है। जब तक अधिकारी तीर्थयात्रियों और आम मुसाफिरों की भीड़ और उनके सामान से निपटें, रजीना मौके का फायदा उठाकर वहां से खिसक लेती है और एक झटके में ओझल हो जाती है। मैं बाबा हूँ, साधु बाबा। कोई बाबा वाबा नहीं चलेगा, चलो जाओ यहाँ से, जाओ निकल जाओ। और भी तो क्या है? जाओ, दफा हो जाओ। अरमान की हालत भी उतनी ही खराब है जितनी कि यहाँ के रेलवे विभाग की, इसलिए वो बिना टिकट सवारी करने वाले मुसाफिरों के साथ कोई रियायत नहीं बरतना चाहते। नेपाल बुद्ध की जन्मभूमि है, लेकिन हिंदुओं के लिए ये उनके देवी देवताओं की भी भूमि है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म यही जनकपुर में हुआ था। राम और सीता की कहानी भले ही 5000 साल पुरानी हो, इसके बावजूद आज से लगभग 100 साल पहले तक सीता के इस भव्य मंदिर की जगह यहाँ पर एक खाली मैदान मौजूद था। लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसी इमारत का कोई ढांचा या जगह उतनी अहमियत नहीं रखते। पौराणिक कथाओं में वर्णित इन नामों की मात्र पवित्रता ही तीर्थयात्रियों को यहाँ लाने के लिए काफी है। ट्रेन दोबारा शुरू होने से दशैन का त्योहार काफी धूमधाम से मनाने में लोगों को सफलता मिली है। इससे कस्बे में तीर्थयात्री भारी संख्या में आ गए हैं और पैसा भी खूब आ रहा है। आज मंदिर में लोगों को भगवान राम द्वारा सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाए जाने की कथा सुनाई जा रही है। लेकिन रजीना और उनके बेटों के लिए ये समारोह और पूजा पाठ बाद में है। त्योहार के इस मौके पर रजीना के माल की मांग बढ़ जाती है। अब वो जनकपुर के दुकानदारों को रोज
थोक में कपड़े पहुंचा रही हैं। लगातार कमाई होने से अब वो एक महीने तक अपने परिवार का खर्चा आराम से चला सकती हैं और छोटे मोटे उधार उतार सकती हैं। दो हफ्ते तक लगातार ट्रेन चलने के बावजूद रेलवे को अभी तक इतनी आमदनी नहीं हो सकी है कि कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाई जा सके। अरमान की हालत बहुत खस्ता है। लेनदार उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। मुझे पैसे कहाँ मिले हैं? किसी से भी जाके पूछो। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं कहीं भाग के जा रहा हूँ क्या? तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो। दूसरों को तो पकड़ते नहीं हो। पैसों की जरूरत है उतनी ही मुझे भी है। देखो मैं समझता हूँ, मैं जरा अकाउंटेंट को फोन करता हूँ, फिर ही कुछ बता पाऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, आ जा मेरे साथ। सिर पर बढ़ते कर्जे और नौकरी की कोई गारंटी ना होने की वजह से नेपाल में अरमान जैसे लोगों के लिए कोई खास उम्मीद नहीं है, बशर्ते वो भी अपने ज्यादातर साथियों की तरह विदेश में कोई नौकरी ढूंढ ले। धार्मिक लोगों के लिए जनकपुर भले ही आध्यात्मिक शांति और मोक्ष पाने का माध्यम हो, लेकिन स्थानीय लोग उससे एक बेहतर जिंदगी की आस रखते हैं। इन दिनों वो उसे एक तीर्थ स्थान के बजाय कमाई के लिए लोगों को बाहर भेजने वाली जगह के रूप में ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और इसीलिए जनकपुर में विदेश भेजने वाली संस्थाओं की तादाद बढ़ गई है। इंडस्ट्री एंड मैन पावर एजेंसीज, ट्रैवल एजेंट्स, रेमिटेंस कंपनीज, अगर आप बाहर जाने के लिए तैयार हैं तो जनकपुर के इस नेटवर्क के जरिए आपको दुनिया में कहीं भी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मोटी रकम चुकाने के बाद ही। जनकपुर स्टेशन पर आपको हर जगह मुसाफिरों के बड़े बड़े पार्सल और ढेर सारा सामान नजर आएगा, जिन पर लगे लेबलों पर अलग अलग देशों के नाम पते मौजूद होंगे। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग नेपाल को छोड़कर जा रहे हैं। मैं बेहतर जिंदगी के लिए और पैसे कमाने के लिए विदेश गया था, यहाँ बैठा रहता तो कौन खिलाता। कभी नेपाल खेती से होने वाले उत्पादों, लकड़ी, चाय और जड़ी बूटियों का निर्यात करता था, लेकिन आज भारी संख्या में इसके नागरिक इसे छोड़कर जा रहे हैं। मैं 18 महीनों के लिए सऊदी अरेबिया में था, फिर वो कंपनी बंद हो गई और मुझे वापस आना पड़ा। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, उसमें सवार यात्री देश विदेश के अपने अनुभव और किस्से कहानियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। मैं कतर से वापस आया हूँ। हमारे गांव के हर घर से 2-3 लोग विदेश में हैं। ऐसे ही गुजारा चल रहा है। कभी कभी तो घर के सारे लोग विदेश चले जाते हैं। नेपाल तेजी से एक प्रवासी लोगों का देश बनता जा रहा है। यहाँ के आधे से ज्यादा घरों का कम से कम एक सदस्य विदेश में रोजी रोटी कमा रहा है। मेरे गांव में तो आपको काम करने की उम्र के 10 जवान लोग भी नहीं मिलेंगे। अब वहाँ सिर्फ बूढ़े लोग ही बचे हैं। नेपाल को अपनी 1/4 आय उन लोगों की कमाई से हासिल होती है जो बाहर जाकर अपने घर पैसे भेजते हैं। विदेश जाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। गरीब लोगों को साहूकारों के पास जाना पड़ेगा। ब्याज बहुत ज्यादा लगता है, साल का 60%। विदेश जाकर काम करना भी कोई आसान नहीं है। देश की याद में आंसू बहते रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? सिर पर इतना कर्ज होने की वजह से वापस भी नहीं आ सकते और यहाँ पर कोई कमाई ही नहीं है। खबरें उठा का। 2 हफ्ते लगातार चलने के बाद जयनगर जाने वाली ट्रेन अचानक पटरी पर से उतर गई है, लेकिन शुक्र है किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। ये नेपाल की ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई सर। लेकिन इस ट्रेन से रोज आने जाने वाले लोगों के चेहरों पर शितन तक नहीं है। उन्हें इस बात की आदत है और जब भी इस तरह की कोई समस्या सामने आती है, सब उसे मिलजुल कर हल करते हैं और किसी के मुंह से इस ट्रेन की बुराई बर्दाश्त नहीं करते। ये बूढ़ी औरत ट्रेन को बुरा कह रही है। आप हमें भिखारी समझती है क्या? तो क्या इसके हाथ जोड़ू, आरती निकालू इसकी? ये ट्रेन हमारे घर जैसी है।
इसी से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये हमारी अन्नदाता है, ये ट्रेन हमारी सब कुछ है। और हमेशा की तरह किसी मदद का इंतजार करने के बजाय नेपाल रेलवेज इस समस्या को एक बार फिर अपनी जनता की मदद से हल कर लेती है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, आदमियों ने उसे अपने हाथों से उठा लिया। हाँ, उठ गई गाड़ी। मुसाफिरों की मदद से सब कुछ ठीक हो गया, गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है। ट्रेन चल पड़ी है, आप आकर पटरियां जांच कर लीजिए। शुक्र है कि ट्रेन के कल पटरी से उतर जाने पर कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ कुछ पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। जलेश्वर पटरियों की मरम्मत करने वाले विभाग के प्रमुख हैं। ट्रेन जहां पटरियों से उतरी थी वो जगह इनके घर से 16 किलोमीटर दूर है, और बाकी के रेलवे स्टाफ की तरह ये जरूरत पड़ने पर कहीं भी जाकर अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार होते हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब भी जरूरत होगी मुझे हाजिर होना पड़ेगा। जैसे आज मेरी छुट्टी है, लेकिन फिर भी मुझे रिपेयर के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा। भूखे पेट ही निकल पड़ूंगा काम पर। जल्दी से रिक्लेम्ड स्लीपर्स को एक इमरजेंसी मोटर ट्रॉली के जरिए हादसे की जगह पहुंचाया जाता है, ताकि टेढ़ी पटरियों की मरम्मत की जा सके और ट्रेन चलने में दिक्कत ना हो। हमारी ये ट्रेन यहाँ के लोगों के लिए एक लोकल ट्रेन है, वो स्थानीय लोगों को इधर उधर ले जाती है। इसके बिना उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए इसे चलाना जरूरी है। जलेश्वर और उनके साथी पुरानी पटरियों की मरम्मत करके एक घंटे से भी कम समय में उन्हें दुरुस्त कर देते हैं, ताकि ट्रेन बिना किसी बाधा के निकल सके। लेकिन अपने गांव में अपने घर पर जलेश्वर काफी दबाव में हैं। सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि अपने परिवार की वजह से भी। अब उनका छोटा बेटा चाहता है कि वो उसके बाहर जाने का खर्चा उठाएं। वो भी अपने बड़े भाई की तरह विदेश में नौकरी करना चाहता है। ये कतर से आए फोटो हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरा बड़ा बेटा काम करने के लिए विदेश चला गया। मेरा दूसरा बेटा सूर्या यहीं पर है, लेकिन वो हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो भी विदेश में नौकरी करना चाहता है। अपने बड़े बेटे को कतर भेजने का खर्चा उठाने के लिए जलेश्वर को ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़े थे। 6 साल बाद ही वो इस कर्ज को चुका पाए हैं। अब उनका छोटा बेटा सूर्या भी विदेश में काम करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता इस काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सच कहूँ तो मेरा मन गाँव में लगता ही नहीं है। हम लोग गरीब हैं और हमारी भी अपनी जरूरतें हैं। बाहर जाके काम करना हमारी मजबूरी बन गई है। यहाँ गांव में इंसान जितना मर्जी कमा ले, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बचता है। ऐसे में घर की जरूरतें कैसे पूरी हों? जब विदेश जाते हैं तो कर्जा लेते हैं, उसे चुकाने के डर से ज्यादा पैसे बचाते हैं। आज का दिन रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छा रहा है। अरमान और उनका दोस्त अकाउंटेंट को रेल की टिकटों, माल भाड़े और दूसरी चीजों से होने वाली कमाई का हिसाब लगाते हुए देख रहे हैं। अब इतने पैसे तो आ ही गए होंगे कि उनकी तनख्वाह दी जा सके। सरकार से कोई पैसा नहीं आया है। हमने जो ये पैसे कमाए हैं ना, उन्हीं में से तनख्वाह मिलेगी। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है कि लोगों का थोड़ा थोड़ा वेतन अदा कर दिया जाए। अकाउंटेंट सीता शरण कल सब लोगों को एक एक महीने की तनख्वाह देने का फैसला करते हैं। ये खुशखबरी एकदम सही मौके पर आई है। अब सब लोग त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं। कल दशेन त्योहार का 8वां पवित्र दिन है, जब हिंदू दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रतिमा के सामने अंतिम अनुष्ठान करते हैं। एक महीने की तनख्वाह मिलने की खबर मिलने के बावजूद अब भी अरमान अपने बेटे को स्कूल भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अ आ ई की किताब खरीदनी है? हाँ, मुझे दिलाओ, दिलाओ ना। ठीक है, खरीद के देता हूँ, आ जा। लेकिन वो उसे कुछ किताबें दिलाकर इस सपने को जिंदा रखते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है।
एक प्यार वाला। प्यार वाला? कौन सा प्यार वाला गाना? अच्छा मुझे गाकर सुनाओ जल्दी से। तेरी मेरी प्रेम कहानी मुश्किल है, दो लब जो मैं ये बयान ना हो पाए। ऐसी कहानियां जो हमारे दिल और धरती से जुड़ी है। इंडिया अनलीश्ड डिस्कवरी पर। दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय डेल इंस्पिरॉन 7000 सीरीज। ये एक चुनौती है जो डिस्कवरी लेकर आ रहा है जबरदस्त और धमाकेदार प्रोग्राम। आज तनख्वाह मिलने वाली है। कई महीनों बाद जनकपुर स्टेशन पर अरमान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें इस लाइन के बाकी स्टेशनों के स्टाफ का भी इंतजार है। हालांकि उनकी तनख्वाह के ज्यादातर पैसे लोगों से लिया उधार चुकाने में चले गए, फिर भी वो बहुत खुश हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में लगे मेले में घुमाने लाते हैं ताकि वो भी त्योहार का आनंद ले सके। चलो ना बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? सस्ते कपड़े खरीद लेंगे। तनख्वाह भी नहीं मिली है, इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से? चलो अब। हालांकि रजीना मुसलमान है लेकिन ज्यादातर गरीब लोगों की तरह वो भी धर्म के आधार पर बने भेदभाव में यकीन नहीं रखती। रजीना अपनी इन खुशियों के लिए हिंदू देवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। उनकी जिंदगी अब आराम से कट रही है। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो मैं देवी को चढ़ावा चढ़ाऊंगी। मेरी रोजी रोटी बस ठीक से चलनी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सबका ईश्वर एक है, भेदभाव हमारे दिलों में है। आज जनकपुर में इस त्योहार का आखिरी दिन है। रेलवे और पूरा कस्बा अपनी बढ़ी हुई आमदनी के लिए शुक्रगुजार है। उधर भारतीय सीमा के जयनगर से जैसे ही नेपाल के लिए सुबह की ट्रेन रवाना होती है वहां एक चिट्ठी आती है। ये चिट्ठी हेड ऑफिस से स्टेशन मास्टर के नाम है। विषय स्टेशन बिल्डिंग जयनगर के बारे में। उपरोक्त विषय के बारे में ये रेलवे विभाग काठमांडू की ओर से है। ये नया स्टेशन बनाने के बारे में है। इसे बनाने के लिए पुराने स्टेशन को तोड़ना होगा, कृपया संपर्क करें। अब सरकार फैसला कर चुकी है, वो रेलवे लाइन का विस्तार करना चाहती है। जनकपुर लाइन को अब बंद कर दिया जाएगा। भारतीय सरकार उसे नए सिरे से बनाकर आधुनिक रूप देगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 3 साल के अंदर यहाँ से नेपाल की पहली ब्रॉड गेज ट्रेन सर्विस शुरू होगी जो जनकपुर और उससे आगे तक जाएगी। नेपाल के लिए भले ही यह खुशखबरी हो लेकिन इस नैरो गेज ट्रेन के 150 लोगों का स्टाफ लंबे समय से इस खबर को लेकर खौफ में था। लेकिन अभी के लिए एक और समस्या से निपटना है। जयनगर में कुछ पटरियों को नुकसान पहुंचा है, किसी ने बुलडोजर उनके ऊपर से निकाल दिया और उससे 3 पटरियां खराब हो गई। अब मुझे इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो हम लोगों की नौकरी भी चली जाएगी। चिट्ठी आने के बावजूद यहाँ के रेलवे कर्मचारियों ने जब तक हो सके अपनी प्यारी ट्रेन को चलाए रखने की ठान ली है ताकि उससे जो भी कमाई हो उससे उनका गुजारा चल सके। फिलहाल ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी जलेश पर ली है लेकिन उनका बेटा सूर्या हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। वो विदेश जाना चाहता था
लेकिन अपने पिता की नौकरी छूटने की वजह से अब वो ये बात अच्छी तरह समझता है कि हवाई जहाज के टिकट और वीजा के लिए कर्ज लेना बहुत मुश्किल होगा। मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ ताकि विदेश जाने के लिए पैसे जमा कर सकूं। साहूकार से कर्जा नहीं लेना चाहता, अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो सूर्या भी वही काम करना शुरू कर देता है जो इस सरहदी इलाके के और लोग करते हैं। वो एक छोटा मोटा ब्लैक मार्केटर बन जाता है और सरहद पार से रोजमर्रा के सामान की तस्करी शुरू कर देता है। उधर जनकपुर में अरमान लोगों के टिकट चेक कर रहे हैं। जब तक उन्हें निकाला नहीं जाएगा वो ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपने बेटे के भविष्य की चिंता उन्हें खाई जा रही है। अगर वो उसे स्कूल भेजने के अपने सपने को पूरा करते हैं तो उन्हें और कर्ज लेना पड़ेगा, जो फिलहाल उनके बस की बात नहीं है। उनकी पत्नी अब भी अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाती हैं। उन्हें उम्मीद है एक न एक दिन उनका सपना जरूर पूरा होगा। मैं साहिल को टीचर बनाना चाहती हूँ, मेरी बेटी भी पढ़ाई करेगी। मैं तो इसे नर्स बनाना चाहती हूँ, इसे खूब पढ़ाऊंगी। मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर क्यों? बीमार लोगों को दवाई देने के लिए। दुनिया में हर किसी को जीने का हक है और हर इंसान की कोई ना कोई मंजिल होनी जरूरी है। मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन अब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उम्मीद रखनी जरूरी है। अगर आपने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, मतलब ही नहीं है। रजीना भी ट्रेन का सफर छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक ट्रेन जारी है ये पैसे कमाना चाहती हैं। इन जैसे लोगों के लिए ये ट्रेन एक वरदान है। जो भी गाड़ी चले हमारे लिए वही बढ़िया है। भारत सरकार का कहना है कि वो बड़ी लाइन बना रहे हैं, लेकिन मुझे तभी यकीन होगा जब बन जाएगी। तब तक तो मेरे लिए वो एक सपना ही है। कौन जाने ये सब कब होगा। तब तक हमारे लिए जो भी ट्रेन चल रही है वही मेरे लिए ठीक है। उनका सबसे बड़ा बेटा रायमद अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए कोई भी काम करने को तैयार है। फिलहाल वो जनकपुर में बनने वाली एक इमारत की साइट पर बहुत कम पैसों में मजदूरी कर रहा है। अब मैं पैसे कमाकर घर का खर्चा चलाने में हाथ बटा रहा हूँ, अपनी माँ की मदद कर रहा हूँ। बाद में मैं भी विदेश चला जाऊंगा, वहाँ पे नौकरी करूंगा ताकि मेरी माँ को काम न करना पड़े। आखिरी रास्ता यही है कि विदेश चले जाएं। रजीना ये सुनकर हैरान रह जाती हैं कि उनके सबसे बड़े बेटे ने काम करना शुरू कर दिया है, पर एक माँ की तरह उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी है। उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि उसे नौकरी मिल गई। उसने मेरे बारे में सोचा होगा कि मैं कितनी परेशान हूँ, पर अब मैं खुश हूँ। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मुझे पता नहीं होता था हम जिंदा कैसे रहेंगे। रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं था। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। उसने मुझसे कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं तेरी देखभाल करूँगा। छोटा बेटा भी बोला, होटल में काम करूँगा। मैं खुश हूँ, कोई चिंता नहीं है। रेलवे कर्मचारी और मुसाफिर अगले कुछ महीनों तक ट्रेन को जारी रखने में सफल रहे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद जनकपुर से जयनगर तक की रेलवे लाइन को आखिरकार बंद कर दिया गया। उसके पुराने कर्मचारियों का क्या होगा, इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। नई ब्रॉडगेज लाइन सन 2007